जिस देश में हम ये बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में हमारी राजधानी दिल्ली में आखिर ऐसा कांड बार बार क्यों हो रहा है? आखिर राजधानी दिल्ली को रेप कैपिटल क्यों बनाया जा रहा है, या राजधानी दिल्ली रेप कैपिटल क्यों बनती चली जा रही है? कमी कहाँ है, आइए जानते हैं। आज फिर से एक बार एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसे जलाया गया, उसके माँ बाप को भी नहीं पता चला कि बच्ची के साथ क्या हुआ, और बात अब दबाने तक ले जाई जा रही है। लेकिन आज हम इसकी मामले की पूरी तह तक पहुंचेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ काफी लोग खड़े हैं, काफी मोर्चे हो रहे हैं, और हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। आप क्या सोचते हैं, कानून व्यवस्था कैसी है? मैम, इनको तो सीधे फांसी होनी चाहिए, और तुरंत फांसी होनी चाहिए। टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, 7 साल मैम कौन इंतजार करेगा? आपको ऐसा लगता है कि तुरंत फांसी हो जाएगी तो उसके बाद? मैम, 9 साल की बच्ची है, फांसी होनी चाहिए तुरंत। फांसी भी ना हो मैम, फांसी भी ना हो तो इनके माँ बाप के हाथ में देना दे। महिला सुरक्षा के बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा ही नहीं है महिला की, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, आतरस वाला कांड देख लो, वर्धन वाला देख लो, जब से हम देख रहे हैं तो बलात्कार पर रेप 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 होते रहे हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर आज 10 साल की बच्ची तक रेप हो रहा है, और फिर रेप होने के बाद उन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। और ये मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पीने का पानी लेने के लिए छोटी सी गुड़िया गई थी और उसका रेप करके उसको सबूत मिटाने का दिल्ली प्रशासन ये हमेशा ये काम करती रहती है। पुलिस प्रशासन जो है सारा मोदी सरकार का है, इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि। तो आप कहना चाह रही हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरी करप्ट है? पूरी करप्ट है, जैसे कि पहले आतरस वाले कांड में देख लो आप, और इस कांड में भी हर सबूत मिटाने का कोशिश करती है। अगर पुलिस प्रशासन कर रही है पूरी, पुलिस करप्ट नहीं होती। आतरस वाले कांड में आपने देखा था कि रात को जाके उस लड़की को जला दिया गया, और उनके ना तो परिवार को मिलने दिया ना किसको मिलने दिया। यही हाल यहाँ पे हुआ है कि लड़की पानी लेने जाती है, उसको रेप किया जाता है और हत्या कर देता है, उसके बाद में जला दिया जाता है। मतलब मुझे ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि बिना माँ बाप को सूचना दिए जलाया जा रहा है, लेकिन बिना माँ बाप के सूचना दिया गया जलाया गया है, लेकिन प्रशासन ने अगर जब उस शमशान घाट में पुजारी हैं तो उनको प्रशासन को इतला करनी चाहिए, अगर लड़की वहाँ पे थी तो इतला करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन पूरा उसके साथ में मिला हुआ है, और पूरी सरकार ये भ्रष्ट हुई पड़ी है, और खासकर केंद्र सरकार तो बिल्कुल भ्रष्ट है ही है, क्योंकि कि जिन इन लोगों को जो कानून पास करना होता है वो रातों रात में 24 घंटों में 8 घंटों में 12 घंटों में कर देते हैं। मोदी और योगी क्या जाने बेटी की इज्जत को। मोदी ने तो अपनी यशोदा देवी को शादी करके ही छोड़ दिया, और योगी ने तो शादी नहीं की, उसने क्या पता बहन बेटी की क्या इज्जत, तो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे, क्या इज्जत करेंगे? उन्होंने खुद नहीं अपनी बेटी बहन छोड़ दिया है, उनको क्या इज्जत है? मैम, जब एक बार होता मैम 9 साल की बच्ची के साथ इतना गंदा कलेश हुआ है, ये सरकार हुआ, पुलिस कुछ भी नहीं समझ रही। उनको बंदे को उसी टाइम नांगल वालों के हाथ में सौंप देना चाहिए था, अगर उस टाइम अगर सौंप देते तो उसी टाइम काम कहानी खत्म हो जाती। ये सारी जानकारी फोन से मिली, जब मुझे मालूम चला मैं सीधा यहाँ पे आई, मेरी रूह कांप गई। मेरा एक बेटा है, 14 साल का मेरा बेटा है, अगर वो भी भाग गया तो भी मैं तड़प गई कि कोई बेटी नहीं मिली तो कहीं बच्चे को ना पकड़ ले, इतना डर हमारे अंदर बैठ गया। लोगों के अंदर पुलिस का डर क्यों नहीं बैठता मैडम, क्यों नहीं बैठता? क्यों नहीं लोग पुलिस से डरते, क्यों नहीं करते कि उस बच्ची को हाथ लगाते हैं तो क्यों नहीं डरते कि पुलिस हमें काट? मैडम, आप मुझे ये बताइए कि ये रेप की जो मानसिकता है कि अब बच्चों के साथ 3 साल की, 2 साल की, 9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ये मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो ये रेपिस्ट लोग हैं, इनको बीच चौराहे पे जहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं ना, वहाँ पे इनको जला दिया जाए, फांसी नहीं उन्हें जलाया जाए। 9 साल की बच्ची को उन्हें जलाया ही जाए। हम उन्हें देखना चाहते हैं कि वो जलते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, वो हम उन्हें तो देख लेंगे, उस बच्चों को तो हम देख भी नहीं पाए। मैडम, आप इंसाफ के लिए कहना क्या चाहेंगी? इंसाफ के लिए सिर्फ उसके लिए या तो एनकाउंटर मैडम, या फिर फांसी दी जाए, लोगों की रूह कांप जाए, लाइव फांसी का कानून लागू किया जाए, ताकि जब ये रेपिस्ट की जो फांसी लगे तो वो लाइव हो, और जो भी ऐसी दीन भावना रखते हैं तो वो फांसी देख करके उनकी रूह कांप जाए। माँ जो होती है ना, उसकी बच्ची को एक सुई भी चुभती है तो वो दर्द होता है उसको। उस 9 साल की बच्ची को उन्होंने जिंदा जला दिया, सोचो उसके माँ पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि मोदी सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत नारा है, और इस नारे पे ये भाजपा सरकार, ये दिल्ली सरकार कुछ भी फॉलो नहीं करती है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए, ऐसा करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ये 2018 का केस है, मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये बिटिया यहाँ पे 2018 के अंदर जिसके साथ गलत काम हुआ, आज 2021 आ चुका है, इस बिटिया को कोई भी मतलब इंसाफ नहीं मिला। ये बिटिया बेटा, आपके साथ आपकी बच्ची के साथ घटना कब हुई थी? रेप 2018 में 10वां महीना 26 तारीख कंप्लेन लिखा दी थी आपने, केस चल रहा है पटियाला हाउस से, केस चल रहा है सदर थाना में, कंप्लेन लिखा है, हमें कंप्लेन कागज आज भी नहीं दिया और ना हमें रिपोर्ट कागज दिया है। इस भाजपा सरकार को और इस प्रशासन को, इस कानून को कि लाइव फांसी का कानून लागू किया जाए, लाइव फांसी का कानून लागू किया जाए ताकि ये गलत करने वालों को जब वो सजा देखे, वो फांसी लाइफ देखे तो उनकी रूह कांप जाए। और उनको सांस लेने के लिए भी टाइम क्यों दिया जा रहा है? उस 9 साल की बच्ची को सांस लेने का टाइम दिया उन्होंने, दिया 7 साल का दिन भी उन्हें क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया? जब वो उस बच्ची को रेप करके 9 साल की बच्ची को वहां मार रहे थे, उन्होंने देखा वो सांस ले रही है कि नहीं, देखा उन्होंने? हमारे देश की सरकार ये कहती है कि वे देश की जनता के साथ हैं, इतना आक्रोश भरा है हमारी देश की जनता में, आज सरकार कहाँ है? बेटियां रो रही हैं, माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, आदमी रो रहे हैं, सरकार कहाँ है? इस दिल्ली सरकार से मैं कहना चाहूंगा, ना तो हमें फ्री बिजली चाहिए, ना ही फ्री पानी चाहिए, और ना ही सरकारी स्कूल के बाहर लगे स्टील के गेट चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इन रेपिस्टों को फांसी चाहिए, 20 चौराहे पे जलाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जनता के लिए विकास क्या है, जनता के लिए विकास ये नहीं है कि उन्हें स्कूल चाहिए, जनता के लिए विकास ये नहीं है कि उन्हें स्टील के गेट्स चाहिए, जनता के लिए विकास ये है कि उन्हें अच्छा कानून चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। और हम सरकार से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ये आगाज करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस 9 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के बारे में काम करे। दिल्ली पुलिस की बेटियां भी हैं, अपनी बेटियों को रेपर के पास भेजो, हम सारे मिलकर के 30 लाख रुपया देंगे अगर वो उस पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए। ये दिल्ली सरकार और ये दिल्ली पुलिस सब बिकाऊ है। अब हम कहते हैं ना, हम मैडम आप अपना नाम बताएंगे? नाम जी अमान। आप यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में कब से हैं? मैं आज ही आई हूँ, रोहिणी से आई हूँ और सोशल वर्कर हूँ। क्या क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है कि उनको पे कोई कोर्ट कचहरी होनी चाहिए, सीधा फांसी होनी चाहिए, क्योंकि निर्भया वाले कांड में भी यही हुआ था, कोर्ट कचहरी में हम 10 साल वेस्ट करते हैं, हमें क्यों कोर्ट कचहरी में, सीधा फांसी होनी चाहिए। मैम निर्भया केस में भी हमने देखा था कि 8 साल के बाद उन्हें सजा मिली थी, ठीक है, और सजा तो तब मिलती है जब कांड हो जाता है। आप महिला सुरक्षा के लिए पहले से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? मैं यही करना चाहती हूँ कि जो भी रेप करता है उसके लिए कोई वकील नहीं होना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, जैसे यूपी में होता है, योगी राज करता है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली और सीधा फांसी होनी चाहिए, नहीं तो भीड़ के हवाले कर दो अगर सरकार से कुछ नहीं होता, और SHO को सस्पेंड करना चाहिए पूरे थाने को। विकास क्या है आपके लिए? मेरे लिए विकास ये है, महिलाओं की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई नहीं, डेली रूटीन में रेप हो रहे, चाहे बच्चों के मामले में, चाहे बड़ी लड़की के साथ, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। सभी औरतों की यही मांग है कि उनके लिए विकास आज के समय में कुछ और ही है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं बताऊँ, 7 साल कौन देख रहा है, जो केस हुआ था उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि कितना पता लगा था लोगों को, लेकिन 7 साल बाद जब उनको फांसी मिली, वो जितने लोगों को जब पता लगा था जब रेप हुआ, 7 साल बाद उतने लोगों को नहीं पता लगा। ऐसे जो काम करते हैं ना, ऐसे दुष्कर्म करते हैं, उनको तो तुरंत सजा मिलनी चाहिए, फांसी तुरंत दीजिए, 7 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, वकील करे, पैसा करे, इतना पैसा गरीब इंसान पे नहीं है, कब तक घूमेगा, उसको तो सीधा फांसी दे देनी चाहिए। सभी की डिमांड यही है कि तुरंत से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। फांसी एक आखिरी राय दिख रहा है, एक आखिरी ऐसी उम्मीद दिख रही है, जो लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सजा अगर नहीं मिलती है तो वो सजा की मांग करना भी बेकार है। जस्टिस डिनेड इज जस्टिस डिनाइड। इस सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सरकार से हमारी डिमांड है कि जो भी दरिंदे हैं उनको फांसी दी जाए, और जो केजरीवाल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने देश में सब सुविधाएं की हुई हैं, अगर वहाँ पानी की सुविधा थी और उस शमशान घाट के अंदर कैमरे लगे हुए होते तो ये पता लग जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। लड़की को मार दिया गया है, उसका रेप कर दिया गया, जला भी दिया गया। इस प्रशासन में देखिए कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। सर प्रशासन में सही कौन है? यहाँ तो स्टेट की बात देखी जाए तो केजरीवाल सरकार की तरफ से भी मदद नहीं आ रही है, सेंट्रल में देखा जाए तो मोदी जी की तरफ से भी कुछ मदद नहीं आ रही है, तो आप कानून व्यवस्था के बारे में, सरकार व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार व्यवस्था के बारे में, दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है,
कानून व्यवस्था का अगर काम है तो सेंटर गवर्नमेंट का है। केजरीवाल सरकार ने सुबह 10 लाख रुपए उस लड़की की कीमत लगाई है तो ये एक सबसे शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर एक बच्ची की 10 लाख रुपए में ऐसे होगा तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था का क्या होगा। पहले एक हमारी बहन निर्भया के साथ हुआ था तो उसमें सब देश एक साथ खड़ा था, मगर आज भी देश। सर निर्भया को भी तो इंसाफ मिलने में 8 साल लग गए थे। 8 साल लग गए तो वो कानून व्यवस्था का है ना। सेंटर गवर्नमेंट अगर कोई अपना कानून पास कराना होता है तो सुप्रीम कोर्ट से 24 घंटे में करा लेते हैं, अपने काम का फायदा होता है तो तुरंत करा लेते हैं, मगर जो ऐसे पे कानून बनना चाहिए जो रेप पर। आज सर आपके घर में भी बहू बेटी बहन होगी, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आप दिन के उजाले में रात के अंधेरे में उन्हें अकेले काम करने के लिए बाहर भेज सकते हैं? आजकल तो इतना बुरा हो गया है कि बहन बेटियों को घर से निकालना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में खराब है। रेप के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। और जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने भारत को स्वच्छ कर दिया है, डिजिटल इंडिया बना दिया है, मगर ये डिजिटल इंडिया का उदाहरण आप दिल्ली में देख लीजिए। जिस दिल्ली में ये हाल है उसमें बाहर देशों में क्या हाल होगा, ग्रामों में ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल होगा, जहाँ पे बहन बेटी खेत खलिहान में जाती हैं, जब दिल्ली में ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, पर सरकार से कोई सामने नहीं आ रहा है। केजरीवाल सरकार आकर के यहाँ पर 10 लाख रुपए का इनाम लगाते जा रहे हैं, इन्हें चाहिए इंसाफ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस 9 साल की बच्ची को इंसाफ मिले। आगे की खबरों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए HNP News।